बोकारो के सिटी पुलिस ने पीतल को सोना बताकर बेचने वाले और लोगों को चूना लगाने वाले चार साथियों को गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन के मुताबिक चारों अंतरप्रांतीय गिरोह के सदस्य हैं। चारों अपराधी असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो माराफारी में रहते थे, जहां से घटना को अंजाम देते थे। चारों मछली बेचने के बहाने पीतल को सोना बताकर ठगी का धंधा करते थे। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 में पिछले दिनों एक दंपति से 2.5 लाख का किया था ठगी। 2,34,000 रुपये और नकली सोना के रूप में पीतल नुमा नकली सोना को पुलिस ने बरामद किया है। ठगी के शिकार हुए दंपति चास में गला व्यवसाय करते हैं। आइए देखते हैं सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन क्या कहते हैं। विश्वास अपना जमा लेते थे, इसके बाद फिर बता देते कि उनके पास कुछ सोना है, जिसमें से कुछ अंश उनको विश्वास करवाने के लिए तोड़ के दिया भी जाता था। जब लोग उसको पहचान कर लेते थे कि असली सोना है, तो फिर इनके पास से ज़्यादा बड़ा सोना या उससे बड़ा एक टुकड़ा दिखाया जाता था और कम रुपये में देने की बात की जाती थी। तो लोग झांसे में आ जाते थे कि सस्ता सोना मिल रहा है, इसको लेने के लिए। फिर वो अपनी गाड़ी पर से की कमाई लोग के हाथ में दे देते थे और ये लोग अपने चक्कर में आते थे। तो यह किस तरीके से है, यह किस तरीके से है, कहाँ से आए थे ये लोग? ये लोग अभी पूछताछ के क्रम में, ये लोग असम के रहने वाले बताए गए हैं और ये लोग अब भागने के फिराक में ही थे कि सिटी थाना की टीम ने धर दिया। कितने लोगों को अब तक इन लोगों ने शिकार बनाया? लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों, कितना मामला इस तरह का सामने आया? इस तरह का तो अब लोग आएंगे सामने तो पता चलेगा, लेकिन अभी 2.5 लाख रुपए का चूना इन्होंने लगा चुका था, लेकिन पुलिस ने 2,36,000 उसमें से बरामद कर लिया। ये जिस तरह से जो बोलते थे, प्रथम दृष्टया तो है नहीं कि तो पीतल या कोई और कुछ और पदार्थ हो सकता है, उसमें सोना, थोड़ा मोड़ा सोना कहीं कहीं लगा के उसको साट के उसको निकाल के। हमारा ये कहना है कि मतलब किस तरह से कहते थे कि इनके पास सोना आया, लोग किस तरह से इनके झांसे में आते थे, सोना इनके पास कहाँ से आया, किस तरीके से लोगों को फांसते थे, किस तरीके से बतलाते थे, प्रलोभन देते थे। मछली बेचने के नाम पर ये घूमते थे और उसी क्रम में कहीं बताते होंगे कि सोना इनको कहीं से प्राप्त हुआ है, कहीं से निकाला हुआ मिला है या फिर मछली के जाल में मिला है। बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, वो तो धोखा देने का नियत है, उसमें तो कोई सच्चाई नहीं। पूछताछ चल ही रही है, लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो बोकारो में अगर इस तरह की ठगी हुई है तो लोग सामने आएंगे और बोकारो पुलिस के माध्यम से हम लोग इस बात का भी ये कर रहे हैं कि इस तरह के झांसे में लोग नहीं आए और अपने गाड़ी पर सिंह की कमाई लोगों के ठग के।